और चलिए मध्य प्रदेश के देवास से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें कब्रिस्तान की सड़क बनाने को लेकर के जो विवाद है वो लगातार गर्माता हुआ जा रहा है। कल भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से जो हिंदू परिवार हैं वो धरने पर बैठे हैं, वहां पर रहने वाले हिंदू परिवार ने घर बिकाओ है के पोस्टर भी लगा चुके हैं। वहीं देवास पुलिस प्रशासन पर आरोप ये है कि वो इस मुद्दे पर दादागिरी जैसा सलूक अपना रहे हैं और हिंदुओं का घर तोड़कर कब्रिस्तान के लिए सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर 500 हिंदू परिवारों ने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। कोई धरने पर बैठा है तो किसी ने पोस्टर चस्पा कर रखा है, किसी ने घर खाली करने की बेबसी जताई है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए घर को बेचने के लिए मजबूर हैं। बैनर पोस्टर के जरिए हिंदू परिवारों के दर्द बयान करने का ये मामला मध्य प्रदेश के देवास से आया है, जहां कब्रिस्तान की सड़क बनवाने का विवाद इतना गर्माया कि हिंदू परिवारों ने अपने अपने मकानों पर घर बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। पचास साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, कोई रास्ता और कुछ भी नहीं था, इनका कि हमको कोई दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, इस कारण को कोई रास्ता था भी नहीं। अब क्या समस्या आ रही है? हमको उठाने की धमकी देते हैं, वो यहाँ से जबरदस्ती उठाने के लिए बोल रहे हैं और यहाँ कोई रास्ता नहीं था आज से नहीं, कम से कम मेरा बचपन यहाँ निकला है, ठीक है, आज 40-45 साल हो गए हैं हमको यहाँ रहते रहते हैं, बाकी यहाँ अन्य संप्रदाय कोई रास्ता नहीं था, पूरा कंप्लीट पूरी दीवार बनी थी, अब बोल रहे हैं कि यहाँ से हम रास्ता करेंगे, दीवार तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे, तो भैया अगर हमारा घर तोड़ेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास में गजरा गियर चौराहे से कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर रहवासी अब विरोध में है। यहां रहने वाले लोगों ने अपने घरों के बाहर प्रशासन का विरोध करते हुए पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि प्रशासन की दादागिरी की वजह से हिंदू अपने मकानों को बेचने के लिए बाध्य हैं। इस रास्ते को लेकर प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है। देवास में कब्रिस्तान की सड़क का विवाद है, गजरा गियर चौराहे से रास्ता निकालने पर हंगामा मचा है। हिंदू परिवारों का दावा है कि 50 सालों से उनके मकान यहां हैं। रास्ते की जमीन पर चार समाजों का दावा है, रास्ते से जनाजा ले जाने को लेकर पहले ही विवाद हो चुका है। अगर यहां से रास्ता निकलेगा तो हमेशा आए दिन विवाद होंगे, इसलिए हम घर बेच के जा रहे हैं। अगर प्रशासन ही दादागिरी करेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे न्याय के पास और किसके पास जाएंगे, हम कहाँ मांगेंगे हम, अब इसलिए हमें तो फिर जाना ही पड़ेगा, मकान ही बेच के जाना पड़ेगा ना फिर हम लोगों। अगर जबरदस्ती तोड़ेंगे करेंगे बात करेंगे, कल से हम काम धंधे पर गए, अगर हम घर नहीं रहे, बच्चे रहे, बच्चों पे अगर हमला कर दे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहे। लोग जब धरने पर बैठे और मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे तो बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी हरकत में आए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से जाकर मुलाकात की और विवाद को सुलझाने का भरोसा दिया कि हिंदुओं ने वहां पर मकान बेचने से संबंधित कुछ पोस्टर लगाए हैं। उस पूरे विषय को समझने के बाद मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के साथ है, इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद कहां जाकर थमता है, क्या इन लोगों का यह प्रदर्शन प्रशासन पर दबाव डाल पाएगा।